सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहसील कल्याण कार्यालय सलोनी द्वारा 26 नवंबर को दिव्यांग व वृद्ध लोगों की सहायता हेतु निःशुल्क कृत्रिम अंग व अन्य उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु एक दिवसीय शिविर का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसका आयोजन राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलोनी में किया जाएगा। इस बारे जानकारी देते हुए तहसील कल्याण अधिकारी केसर सिंह ने बताया कि कृत्रिम अंग बनाने वाली एलिम्को कॉरपोरेशन जाँच उपरांत निःशुल्क उपकरण प्रदान करेगी। जो हमारा आर्टिफिशियल लिम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है और हमारी जो मिनिस्ट्री है इसके तहत ही आता है, वो उनका एक कैंप जो है हमारा 26 तारीख को गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड फ्लोर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें वो जितने भी हमारे दिव्यांग जन है जो हमारे यहाँ पेंशन ले रहे हैं, नहीं भी ले रहे हैं, उनको विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं चलने फिरने में, या कोई प्रोस्थेसिस है, ऑर्थोसिस है, कृत्रिम अंग है, कान में जो सुनाई नहीं देता उनकी मशीनें हैं, या अपनी क्रचेस हैं, बैसाखी है, और व्हीलचेयर है, या गाड़ियों के लिए साथ में जो स्पोर्टिंग डिवाइसेस आती हैं, ऐसे भी कोई व्यक्ति हमारी अगर तहसील में है, सलोनी में है, तो कृपया करके वो 26 तारीख को जो है इस कैंप में भाग लें। और डॉक्टरों की पूरी टीम आ रही है, वो चेक करेंगे उनको पहले, उसके बाद जैसी जैसी उनकी जरूरत होगी उस हिसाब से उनको जो है वो सामान जो है बांट दिया जाएगा। इसमें वृद्ध लोग भी आ सकते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, देखने में क्षमता में कम है, जो भी उनको दिक्कत है चलने फिरने में, उनको लाठी की जरूरत है, जो स्टिक्स मिलती हैं उनकी जरूरत है, तो वो भी आ सकते हैं। इसमें पात्रता शर्तें जो हैं ज़्यादातर तो फॉर्मेलिटी रखी नहीं है, लेकिन दो फोटोग्राफ अपने लेके आए साथ में अपना आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र हो। तीसरा है कि उनकी आय जो है 15,000 प्रति महीना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उनके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो वो लेके आए, बीपीओ सर्टिफिकेट वो लेके आए, अगर नहीं है तो भी की चिंता नहीं है, कागज हम बाद में भी जमा करवा सकते हैं। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है पंचायत में, अपने प्रधानों से भी अपील करता हूँ कि वो लोग अपने पंचायत में देखें, ऐसे कोई भी व्यक्ति है जो इस लाभ से वंचित ना रह जाए। मैं चाहता हूँ कि सलोनी में ज़्यादा लोग जो हैं इस सेवा का लाभ उठाएं, क्योंकि ये चंबा में मैं 2 साल से यहाँ हूँ तो अभी तक नहीं हुआ है, ये पहली बार ये कैंप यहाँ होने जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ सभी इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।